चुनावी साल में इन दिनों लोगों की ज़ुबान पर का बा टाइटल वाला गाना बहुत चल रहा है। ऐसे में अब बीजेपी ने इस सवाल का जवाब एक गाने के माध्यम से देने की कोशिश की है। विपक्ष द्वारा उठाए गए इस सवाल कि बिहार में काबा के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के एक गाना को जो लॉन्च किया गया है और इसका शीर्षक है बिहार में ईबा। जी हाँ, बीजेपी के ट्विटर हैंडल से इस गाने को पोस्ट किया गया है और लोगों को खासा रास आ रहा है। 2 मिनट 35 सेकंड के इस गाने में बिहार में मौजूदा हालात में उपलब्ध एक एक चीज़ के बारे में गाने के माध्यम से बताया गया है। दरअसल नेहा राठौर द्वारा इस रैप को गाया गया है और आपको बता दें कि इसमें बिहार की व्यवस्था समेत अन्य चीज़ों को दिखाया गया था और वर्तमान की व्यवस्थाओं पर तंज कसा गया था के जवाब में बीजेपी ने कदम उठाया। जी हां, नेहा के इस वीडियो को जहां यूट्यूब समेत अन्य सोशल साइट्स पर अच्छे व्यूज़ मिले थे, वहीं बीजेपी ने भी अब बिहार में ईबा के एजेंडे के माध्यम से ही विरोधियों को भी जवाब देने की पुरजोर कोशिश की है। जी हां, आपको बता दें कि बीजेपी इस सॉन्ग के माध्यम से बिहार में मौजूद मेडिकल कॉलेज, IIM, IIT समेत कृषि, पशुपालन, बिजली, LED उद्योग आदि के क्षेत्रों में हुए विकास का हवाला दे रही है। इस गाने को काफ़ी अच्छे तरीके से विजुअलाइज किया गया है, जिसमें गायक ने NDA के राज में बदलन अपन ई बिहार हो से गाने की शुरुआत करता है। वहीं इसके बाद इस गाने के दृश्य और तस्वीर के माध्यम से गायक ने IIT, स्कूल, कॉलेज, सड़क, बिजली, पानी से लेकर आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हुए कार्यों को गिनाया है और हर लाइन के बाद ईबा, जो कि भोजपुरी शब्द है, उसको जोड़ा गया है। जी हां, बीजेपी से जुड़े लोगों ने बताया कि पार्टी द्वारा चुनाव के मद्देनज़र ही 2 दर्जन से अधिक वीडियो तैयार किए गए हैं और सभी की टाइमिंग 1.5-2 मिनट रखी गई है। चुनाव के विपक्ष को जवाब देने के लिए इस वीडियो को आमो खास तक पहुँचाने की तैयारी है। मालूम हो कि 3 चरणों में होने वाली बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का काम वर्चुअल रैली के साथ चुनावी मैदान में नेताओं के संबोधन से हो रहा है। जी हां, और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 भोजपुरी से। स्वरूप की रिपोर्ट।